जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। डियर स्टूडेंट, आई कंटिन्यू दिस चैप्टर। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लखनऊ पैक्ट, होम रूल मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, बिपिन चंद्र पाल एंड मेनी अदर पॉइंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23rd January 1879 इन कटक उड़ीसा, दैट टाइम इन बंगाल प्रोविजन। हिज मदर्स नेम प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, एंड फादर्स नेम जानकीनाथ बोस। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो 23 जनवरी 1879 कटक उड़ीसा में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वो अपने बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। ही सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन IAS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ICS या IAS एग्जामिनेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर इंग्लैंड में हेल्ड हुआ जो का एग्जाम, उसके अंदर उन्होंने 4th पोजीशन सिक्योर की। आफ्टर कमिंग इंडिया ही ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भारत में आने के बाद में वे भी उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे उस समय आप खुद जानते हैं फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, सत्य, उसको उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही वॉज कॉट एज पॉलिटिकल प्रिजनर 11 टाइम, और उनको 11 टाइम जेल गए, पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रखा 11 बार। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1938। सबसे कम उम्र में बनने वाले व्यक्ति थे नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 1938 के अंदर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द हरिपुरा कॉन्फ्रेंस। हरिपुरा के कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये वैसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में, है ना, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले थे। इसके प्रतिरिक्त उन्होंने दूसरे कॉन्फ्रेंस में कंटिन्यू दूसरी बार त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड और 1939 के अंदर और उन्हें दोबारा बनाया गया। लेकिन सर्टेन अपोजिशन एंड डिफरेंस इन ओपिनियन फोर्स विद द रिजाइन फ्रॉम टू प्रेसिडेंटशिप। कुछ महात्मा गांधी से मतभेद होने के पश्चात उन्होंने इस पोस्ट को छोड़ दिया। कुछ अपोजिशन एंड डिफरेंस ओपिनियन होने की वजह से फोर्स्ड टू रिजाइन, उनको फोर्स रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंटशिप से। इन मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। 1939 में उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन यूरोप। यूरोप के अंदर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्टेड एंटी वार प्रोपोगंडा टू द एडवर्टाइजमेंट। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी बनी थी एंटी वार, है ना, प्रोपोगंडा फैला रही थी। सुभाष चंद्र बोस एंड कंपेनियन वर अरेस्टेड एंड प्रिजाइन। सुभाष चंद्र बोस को और उनके साथियों को अरेस्ट कर दिया गया, एंड ड्यू टू सीवियर इलनेस, लेकिन वो बीमार हो गए जेल के अंदर, और ही वॉज सेट फ्री फ्रॉम प्रिजन, और उनको प्रिजन से मुक्त कर दिया। ही वॉज आउट अंडर द हाउस अरेस्ट, और उनको हाउस अरेस्ट
हाउस अरेस्ट का मतलब उनको घर में रखा लेकिन चारों ओर उनके लिए सिक्योरिटी रखी। लेकिन एक जुझारू व्यक्ति और देश प्रेमी व्यक्ति थे, आज उनकी कितनी उन्होंने परेशानियां उठाई होगी, लेकिन उतने क्लेवरनेस से, चतुराई से उस हाउस अरेस्ट से निकल गए। अब कैसे निकले हैं? तो ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस इविक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम टू द हाउस इम्प्रिजनमेंट गिवन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो हाउस इम्प्रिजनमेंट किया था उससे बच के निकल गए। ही डिस्गस उन्होंने हिमसेल्फ उन्होंने पठान ही डिस्गस अपनी वेशभूषा को बदला पठान की वेश में एंड रीच्ड बर्लिन, और वो सीधे बर्लिन जर्मनी गए वाया पेशावर और काबुल एंड मॉस्को। देखो मॉस्को बर्लिन पेशावर पेशावर ठीक है ना, काबुल और मॉस्को से होते हुए जर्मनी चले गए, जहाँ आप खुद जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, विश्व युद्ध के अंदर वो अंग्रेजों ब्रिटिश के खिलाफ थे। ही रीच्ड बर्लिन एंड ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड टू हियर हिज स्पीच ऑन रेडियो, और ब्रिटिशर्स उसके जब उन्होंने रेडियो पे उनकी स्पीच सुनी तो सदमे में आ गए, उनको आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंचा। फ्रॉम ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा, फिर सुमात्रा होते हुए वो जापान गए। तो इस तरह से देखो बच करके गए। अब नाउ जर्मनी एंड जापान वेयर एनिमीज, अब देखो वो जाने के पीछे उनका कारण क्या था कि जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका एडवांटेज लेते हुए सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड हिज कम्युनिकेशन विद द जर्मन लीडर, उन्होंने जर्मन लीडर के साथ बातचीत की, और उस समय हिटलर का राज्य था, हिटलर एंड जापान प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर तो जो जापान वुड बी हेल्पफुल, सो सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट फाइट विद द हेल्प ऑफ अनोदर एशियन कंट्री। जापान ने और उधर जर्मनी ने, जापान ने यहाँ पूरी तरीके से हेल्प करने की बात कही, और इस हेल्प को देख करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, युद्ध की नीति अपनाने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड स्टार्ट टू फाइट विद द हेल्प ऑफ दूसरे जो एशियन कंट्री थे उनके हेल्प से लड़ाई का बात रखी। अब इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की बात आई। अब हम लोग एज ए कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन के रूप में जिनको बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में वापस से एक बार। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन 23 जनवरी 1879 इन कटक, प्रेजेंट इन उड़ीसा। ओके दैट टाइम ही उड़ीसा, बट ये पूरा का पूरा बंगाल प्रोविजंस में आता था। हिज मदर्स नेम वॉज पार्वती देवी एंड फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, ही सिक्योर्ड 4th पोजिशन इन IAS एग्जामिनेशन इन लंदन इन 1920। देखो वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सबसे जो कठिन परीक्षा होती है IAS का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ICS इंडियन सिविल सर्विस, जिन्होंने उन 4th पोजीशन प्राप्त की थी। फिर जब वो इंग्लैंड से वहाँ आए, आने के बाद में उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जो 1885 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। फिर हमारे यहाँ जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था वे सम्मिलित हो गए। फिर देखिए ही वॉज कॉट पॉलिटिकल प्रिजनर 11 टाइम, 11 बार वो हमारे देश की
स्वतंत्रता के लिए जेल में गए। फिर उसी समय देखिए सबसे कम उम्र के अंदर प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी इतनी इंटेलिजेंस थी, लोग उन्हें चाहते थे। 1938 में हरिपुरा कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया। दोबारा त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें 1939 के अंदर बनाया गया। लेकिन कुछ लोग एंटी होते हैं, वैसे तो कई बुक्स के अंदर ऐसा मिलता है कि उनके जो मतभेद महात्मा गांधी से होने के बाद उन्हें उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब अपोजिशन हुआ उनका, डिफरेंस इन ओपिनियन फोर्स्ड, इट रिजाइन फ्रॉम टू द प्रेसिडेंटशिप उन्होंने। और फिर 1939 के अंदर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, है ना, उन्होंने स्लोगन दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। और उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ब्रिटिश, है ना, उसमें इंग्लैंड भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सम्मिलित था। वॉर प्रोपोगंडा, एंटी वॉर प्रोपोगंडा की वजह से इनको अरेस्ट कर दिया। और अरेस्ट करने के पश्चात, ठीक है ना, जय श्री स्वामीनारायण। तब तक के लिए आप लोग इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे जहां तक हमने पढ़ा है।